हाय गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। तो कल रात को तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल रात को 8 बज गया था हम लोगों को इस वाला कॉटेज में आने के लिए। बहुत सुंदर सा एक छोटा सा विलेज है हुंडर में। तो इस जगह से हम लोग अभी 8:30 को निकल जाएंगे हम आज तुर्तुक, जो 1971 में जो तुर्तुक गांव जो है उधर में एक स्कूल है, मैंने जो सुना वो पाकिस्तान के अंडर में था। उसके बाद 1971 का जो हुआ था उसमें ये हमारा इंडिया में उसको ले लिया था। तो अभी हम लोग आज जाएंगे तुर्तुक के लिए और तब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस एरिया का नज़ारा हुंडर का। चलो करते हैं अभी ब्रेकफास्ट और निकलते हैं। ऐसा ही छोटा छोटा रूम बना हुआ है इधर, लेकिन अच्छा है। हेलो, हुंडर में काफ़ी सारा गेस्ट हाउस कैंप साइट है, इसमें से आप किसी में भी रुक सकते हो। तो मैं कल लास्ट नाइट का आपको रीडिंग कार्ड दिखाया था, हमने जिधर रुका हुआ था। ठीक है, चलो फिर चलता है कैंप साइट में। प्लेस, मज़ा आ गया देख के सुबह सुबह। और इसी का आवाज़ इतना ज़ोर से आ रहा है, काल पूरा रात भर हमको ये आवाज़ मिला। क्या ब्यूटीफुल प्लेस है यार, देखो मज़ा आ गया सही में। बहुत सुंदर सा जगह है, बहुत सुंदर सा, जाने का मन ही नहीं करेगा, सच में बोल रहा हूँ। वाह, इधर से पानी बह रहा है देखो। तो ये विलेज है हुंडार विलेज, ठीक है। नुब्रा वैली से ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर है मैक्सिमम, 15 नहीं 10 किलोमीटर होगा। बस एक छोटा सा विलेज टाइप बना हुआ है, छोटा, ज़्यादा घर नहीं है इधर, बस ज़्यादा कैंप बना नहीं है। आप लोग अगर इस साइड पर आ रहे हो तो रुक सकते हो इधर। तो फ्रेंड्स, इस विलेज पे अगर आप लोग आ रहे हो तो इधर से जो ये रिवर बह रही है, जो पानी है इसका काइंडली पॉल्यूटिंग मत करना, पॉल्यूशन मत फैलाना, इसको में कुछ कचरा मत गिराना। फिर इसी वाटर को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। छोटा सा विलेज में तो पानी को बिल्कुल पॉल्यूटिंग मत करना। दिनेश भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन। या ऑल गुड। रेन इज स्टार्टिंग, या या ड्रिजलिंग। Hopefully it should not rain badly. Yeah. Okay. अब हमने अभी जाके देख के, आप सुंदर, बहुत सुंदर सा रिवर बह रहा है उधर से। और ये हमारा गेस्ट हाउस का है द सेल्वन हट, ठीक है। ये जो कैंप है, नॉट गेस्ट हाउस सॉरी, जो कैंप है द सेल्वन हट, ठीक है। It's raining slowly slowly. रुद्र इधर खड़ा है। और इधर एक किचन बना हुआ है। ब्रेकफास्ट लग गया हमारा, मॉर्निंग बुफेट ब्रेकफास्ट। इसके बाद हम लोग निकलेंगे तुरतुक के लिए। ओके गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं फटाक से और निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया पोहा, आलू एंड पूरी। आज यही है ब्रेकफास्ट में। चाय भी है। ओके फ्रेंड्स, चलो बाय बाय। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, पैकिंग करते हैं, सीधे आप लोगों से मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में 2 आवर्स तुरतुक। एज ऑफ नाउ बाय बाय। और ये अंकल जी का होटल, ये जो कैंप साइट है इनका है। अच्छा, आपका जो कल रात को मैंने विजिटिंग कार्ड लिया था वो मैं मेरा उसमें जो नंबर लिखा हुआ है पीछे वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे मेरा चैनल में, ठीक है। अगर कोई इधर आ सकता है तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा उस नंबर पे, ठीक है कादिर भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? ये जो आलू ले रहे हैं हम, आलू का जो सब्जी बना हुआ है, हाँ हाँ अच्छा। इन्होंने जो हमारा इधर जो भी वेजिटेबल्स यूज़ किया जाता है ये पूरा ऑर्गेनिक फार्म का इधर ही बनता है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ मैं आते वक्त देखा इसमें काफ़ी सारा फार्मिंग हो रखा हुआ है साइड में, ठीक है। बहुत पूरा सजावट किया हुआ है, एक छोटा सा जगह है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। इधर का जो एनवायरनमेंट है ना एकदम पोल्यूशन फ्री है। मैं अभी देखा अपने बाजू में रिवर जा रहा है और काइंडली जैसे मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जो पानी जा रहा है उस पानी को बिल्कुल पॉल्यूटेड मत करना, क्योंकि वही पानी इधर फिल्टर होके उसी पानी को पीने के लिए यूज़ किया जाता है। सही है ना कादिर भाई? ठीक है, तो इसको क्लीन ही रखिए। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स हमारा राइडिंग स्टार्ट हो चुका है आज का दिन के लिए। आज हम लोग जा रहा है तुर्तुक। ठीक है, आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा 3-4 बजे से बारिश हो रहा था, तो पूरा रेनकोट वगैरह मैंने साथ में ले लिया, रेन लाइनर, ठीक है। तो अभी चलता है तुर्तुक। तुर्तुक देखने का बहुत दिन से शौक था, इतना वीडियो मैंने देखा हूँ लद्दाख सीरीज़ का, हर सीरीज़ में तुर्तुक का डिटेल्स काफ़ी जनों ने अपडेट किया हुआ था। ये वाला रास्ता तो शायद कल मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था जब आ रहा था, ठीक है। अभी आगे चलता है, अगर कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा। लद्दाख में तो हर चीज़ ही अच्छा है, जो भी देखो ज़बरदस्त है। तो अभी जो भी मिलेगा हमें आगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तोसी एग्रो ग्राग 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर। आज अगर रास्ते में ना मुझे रेन मिले तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर बैकअप के साथ हूँ। दूसरा दिन क्या काल क्या हो रहा था, मैंने रेन लाइनर तो था मेरे साथ, लेकिन रेन का जो पैंट है ना वो मैंने रख दिया था बैग का अंदर, उसको बाहर निकालने का था, तो वो मेरे को एक टेंशन था अगर बारिश आता तो मैं भीग जाता पूरा। एनीवे देखो क्या नज़ारा है सामने का, देखा आपने? क्या ऑसम नज़ारा है, ब्यूटीफुल व्यू। आज हमारा जो मार्शल है उन्होंने बोला अपना ओरिजिनल आईडी कैरी कर लेने के लिए, क्योंकि आगे शायद कोई जगह पे ना ओरिजिनल आईडी दिखाना पड़ेगा, और मेरा तो बाइक पर्सनल है, मेरे को सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा, आरसी वगैरह, ठीक है। तो कल आने से पहले शाम को हम लोगों के साथ हम लोग चेक हो गया था ये वाला चेक पोस्ट में। ये हुंडर विलेज में एंटी का चेक पोस्ट है हुंडर में। आर्मी गुडविल स्कूल प्रतापपुर। अच्छा, गुडविल स्कूल प्रतापपुर, आर्मी का गुडविल स्कूल प्रतापपुर है इधर एक। चलो फ्रेंड्स तुर्तुक पहुंचते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर हम लोगों को रुक दिया गया हुआ है, मार्शल हब से पहले है और थोड़ा सा आगे ट्रैफिक लग गया हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा एक विलेज है और रास्ता भी बहुत पतला पतला रास्ता है। उधर से भी गाड़ी आ रहा है, आर्मी का ट्रैक भी आ रहा था। तो हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही ट्रैफिक खुल जाएगा हम लोग निकल जाएंगे अभी इधर से। ओके फ्रेंड्स, देखो नज़ारा, देखो कितना सुंदर नज़ारा है, आपको दिखाई दे रहा है। इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू, जैसे मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सुंदर। ठीक है, बट मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अगर हुंडर विलेज से निकल रहे हो आप लोग तुरतुक के लिए, बथांग के लिए, तो जितना सुबह हो सके उतना सुबह निकलना बहुत ज़रूरी है। जो कोई कोई जगह पे जितना भी ग्लेशियर का पानी है वो पिघल के रोड का आ जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी वाटर क्रॉसिंग करना पड़ेगा, डीप हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेटर है जितना सुबह निकलना है तो निकलना सबसे बेटर है। बस चल रहा हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है, आप लोग देखो जस्ट। बस थोड़ा बहुत जो ग्रीन हरियाली है उसका अंदर से चल रहा हूँ। एक साइड में पहाड़ है, बीच में से रास्ता है। कैन यू इमेजिन, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, जस्ट ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा, देखो कितना सुंदर व्यू है यार, क्या बोलूँ। बस बाइक चलाते जाओ और पहाड़ों का बीच में से बस रास्ता टेढ़ा बेका होके जस्ट चल रहा है और मज़ा आ रहा है सच में। बट हवा, मेरा जो वाइज़र थोड़ा सा वाइट वाला जो मेन वाइज़र है थोड़ा सा ऊंचा किया हुआ है, हवा का आवाज़ आ रहा है आपको तो क्या करूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वाइज़र थोड़ा सा खोल के रखना पड़ रहा है मेरे को पूरा अनइजी फील होता है। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं पाकिस्तान। तो हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो आज थांग है। तो हम टैक्सी तुरतुक के बाद हम थांग पहुँचेंगे, उधर से हमको पाकिस्तान भी नज़र आएगा। ठीक है, वही देखें आज, वो बड़ा देखने का इच्छा था यार, बहुत दिन से देखने का इच्छा था। ठीक है, तो इसीलिए बस चल रहा है हम लोग, जैसे ही नज़र आएगा आपको आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ तो वीडियो को तो मैं आधा घंटा में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं हर चीज़ का आप लोगों के साथ फील देना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ जी कैसे मैंने गया हूँ, वो आप लोगों को एक एक चीज़ मैंने दिखाऊँ। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने कम से कम कटिंग करके मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ जे क्या था उधर का एक चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, चलते हैं फिलहाल, फिर पहले नेक्स्ट कुछ अच्छा आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। ओके।